हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर में एरियर राशि में से रिश्वत लेते प्रिंसिपल को एसीबी सिरोही की टीम ने पकड़ा। आहौर क्षेत्र के हरजी गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल सुरेश कुटल को एरियर की अवज में रिश्वत लेते एसीबी सिरोही के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायण सिंह व उनके टीम ने पकड़ा है। गौरतलब है कि हरजी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ही कार्यरत परिवादी एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी दिनेश कुमार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही में एक शिकायत दी कि उसके विद्यालय के प्रिंसिपल एवं आहरण वितरण अधिकारी सुरेश कुटोल ने एरिया राशि जारी करने के नाम पर रिश्वत मांगी है। परिवादी ने एसीबी सिरोही को बताया कि छठे वेतन मान के तहत स्थिरीकरण का बकाया एरिया करीब 4,11,000 हो रहा था। इसमें से दे एरिया 3,00,000 का भुगतान करने के नाम पर सुरेश कुटोल ने 30% राशि रिश्वत के रूप में मांगी, जिसमें ये तय हुआ कि 10,000 रूपए एरिया जारी करने के पहले और 20,000 रूपए एरिया जारी होने के बाद में दिया जाएगा। शुक्रवार को जब परिवादी हरजी स्कूल के कार्यालय में प्रिंसिपल सुरेश कुटोल को 10,000 रूपए दे रहा था, तभी एसीबी सिरोही के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायण सिंह व उनके दल ने दबिश देकर प्रिंसिपल सुरेश कुटोल को रंगे हाथों 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा और मामला बनाया। इस कार्रवाई में एसीबी सिरोही के हेड कांस्टेबल अदाराम चेलाराम, रविंद्र कुमार, सोहन राम, वीर सिंह, रमेश कुमार, श्रीमती दीक्षा उदावत, हरीश मीना, गणेश लाल, स्वतंत्र गवाह, AEN हेमंत प्रजापत एवं राजेंद्र सिंह स्टोर कीपर डिस्कॉम सिरोही मौजूद थे। आरोपी ने रिश्वत राशि स्कूल परिसर में खड़ी अपनी कार में गियर बॉक्स के आगे रखी, तभी एसीबी की टीम ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ा और राशि को जब्त किया। जागरूक टीवी के लिए जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।